नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ ही सियासी पारा भी अपने चरम पर है। लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण में दिग्गजों ने जनता को रिझाने के लिए सारी कोशिशें एक कर दी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन जो कदम बढ़ा रही है, बीजेपी के दावे को फेल बता रही है। तो चुनावी जनसभा, रैली और रोड शो के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में 2024 के इस रण में सियासी दावपेच समझने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा से। तो हमारे साथ दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी में। दिनेश शर्मा जी, मेरे स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि छठे चरण का चुनाव कंप्लीट हो चुका है, सातवें चरण का चुनाव का हम इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर 13 सीटों पर चुनाव होना है। जी, 13 सीटों पर यूपी में चुनाव होना है, इसको लेकर आप कितने तैयार हैं? जी सातवें नहीं, 13 का मतलब 13 बीजेपी सभी सीटों पर जीतेगी और सातवें चरण के चुनाव के बाद हार की खबर सुनकर जो इंडी गठबंधन है उसका पारा सातवें आसमान पर होगा। और उसका मूल कारण यह है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहा है कि ये आपका आवाज गूंज रहा है, ठीक कराने की कोशिश कर रही हूं। जी, आपकी आवाज गूंज रही है, आवाज दोनों तरफ से आ रही, ठीक करा रही हूं सर। जी, जो मेरा एक कहना है इसमें आपकी तरफ से आवाज बोलना कोई मुझे बोलने का नहीं मिला, सही हो गया क्या? जी सर? जी हाँ, अब मैं यही कहना चाह रहा हूं जी कि आज पूरे प्रदेश का नहीं, पूरे देश का वातावरण जिस तरीके से आज यहां पर चुनाव हुए हैं अभी तक के छह चरण के मतदान के, तो उन छह चरण के मतदानों का अगर विश्लेषण किया जाए जी, तो सपा और बसपा में टक्कर दिखाई पड़ी है, बीजेपी से इनकी किसी की टक्कर नहीं है। बसपा आगे जाएगी कि सपा आगे जाएगी भाजपा के बाद, ये देखना होगा। और मैं इतना कह सकता हूं कि बहुत से ऐसे स्थान थे जहां पिछली बार बीजेपी को नहीं मिला था, अब की कई गुना सीटें ज्यादा जीत रहे हैं, जैसे तेलंगाना है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, आपका बंगाल है, एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पर भाजपा और एनडीए का प्रदर्शन होने जा रहा है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि 4 तारीख जो परिणाम का दिन है वो मंगलवार है जी, और मंगल निश्चित रूप में इस देश के लिए और खासतौर से भाजपा के लिए मंगलकारी सिद्ध होगा। और विपक्ष का जो दुष्प्रचार पूरे 2 महीने के प्रचार में चला है जी, उन्होंने एक स्तरहीन प्रचार किया है और भ्रम पैदा करने के लिए झूठे प्रचार का भी सहारा लिया विपक्ष के द्वारा। ये झूठा प्रचार कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, जबकि एक मोदी जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार दिखाई पड़ते हैं। जी, मैं कह सकता हूं कि ये जनता ने सत्यता को जाना है, ये जातिवादी ताकतें हैं, ये संप्रदायवादी ताकतें हैं, ऐसी ताकतें कमजोर होनी चाहिए और जनता के द्वारा इनका तिरस्कार करना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि बदले हुए परिस्थिति में जिस तरीके से परिश्रम किया है हमारे कार्यकर्ताओं ने और साधु रूपी जनता ने, खासतौर से महिलाओं ने, जाति और धर्म का बेड़ा छोड़कर और उन्होंने एक तरफा मोदी जी के पक्ष में मतदान किया है,
कहीं कहीं तो आश्चर्यजनक रूप में मुस्लिम वर्ग में भी जो महिलाएं थी उन्होंने खुलेआम बीजेपी को वोट कुछ स्थानों पर दिया है। तो मैं कह सकता हूं कि लोगों के मन में विकास है और विकास का परिचायक प्रतीक के रूप में मोदी जी हैं, इसलिए कोई शंका नहीं है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सके। जी, साल 2014 में सर देखा क्या कि एक लहर थी, 2019 की बात करें तूफान सा था सर, मोदी लहर चल रही थी उस वक्त, लेकिन 2024 को हम किस तरह से देखें ये लहर और तूफान, क्या 2024 में इसको मोदी मैजिक चल पाएगा क्या इस बार भी? देखिए, 2014 में मोदी करंट था जी, अब की 2024 में मोदी अंडर करंट है, क्योंकि जितने लाभार्थी हैं वो पहले से माइंड प्रिपेयर कर चुके हैं, जितने जो इससे संबंधित मोदी जी की योजनाओं से लोग हैं उन्होंने अपना दिमाग क्लियर कर रखा है कि इनको करना क्या है, इसलिए आप देखेंगे कि आश्चर्यजनक परिणाम सामने आएंगे जी। और जो विपक्ष की जातिवादी नीति रही है उसको जनता पूरी तरीके से जवाब देगी जी। दिनेश शर्मा जी, मेरा अगला सवाल ये कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की ओर से पूरी पार्टी की ओर से 400 पार का नारा दिया गया है कि इस बार एनडीए 400 पार लेकर आएगी, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है, विकास नहीं हुआ, गरीबी बहुत है, भ्रष्टाचार के तरफ से जिस तरह से सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि विपक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप है उस पर विपक्ष लगातार हमलावर रहा, लेकिन क्या लगता है कि इसको इस माहौल को बनाने की कोशिश की गई या फिर सच में एनडीए 400 पार लेकर आएगी? देखिए, कोई छोटा बच्चा भी होगा वो ये नहीं कह सकता कि विकास नहीं हुआ जी। विकास नहीं हुआ तो लालटेन की दुनिया में जो जो गांव अंधेरे के परत में रहते थे आज 24 घंटे में 22 घंटा बिजली जला रहे हैं 10 सालों के अंदर। जिन गांवों में टेलीफोन का कनेक्शन नहीं होता था वहां आज इंटरनेट के माध्यम से लोग ऑनलाइन पैसों का ट्रांसफर कर रहे हैं। आज गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपना पासपोर्ट बनवा सकता है। आज गांव की मुख्य सड़क अब कच्ची सड़क नहीं है, अब जो कच्ची सड़कें थी पक्की होकर मुख्य सड़क से मिल रही हैं। चारों तरफ आपको एक्सप्रेसवे दिखाई पड़ रहे हैं, आपको 7-7, 8-8 मेट्रो दिखाई पड़ रहे हैं। 2 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में थे, आज 20 हवाई अड्डे दिखाई पड़ रहे हैं। आज डिफेंस कॉरिडोर यहीं पर आया है, आज सबसे बड़ा डाटा सेंटर आज जो लगा है वो नोएडा में लगा है, 100 में से 70 मोबाइल यहाँ बन रहे हैं। तो डेवलपमेंट अगर उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ है जी। इसलिए इस प्रकार की बातें कोई कहता तो वो हास्यास्पद है। दिनेश शर्मा जी, इस चुनाव में लगातार विपक्ष हमलावर है कि 10 वर्षों के काम को लेकर के, जैसा कि आप बता रहे कि विकास हुआ है और प्रॉपर तरीके से हर प्रदेश में विकास हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से मंगलसूत्र मटन की बात आना, ये इसकी क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री को आपने कहते सुना है कि आप मटन ना खाओ या ये खाओ, ये कहते सुना है आपने? नहीं सुना होगा। उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा कि जान के हिंदू भावना को, सनातन भावना को चोट पहुंचाने के लिए परसों बड़ा मंगल था जी। बड़े मंगल पे जान के वो इतवार को खाओ और मंगल को पोस्ट करो, पिछली बार भी मंगल को पोस्ट करो कि वो बकरा की टांग खाटते हुए दिखाओ कि लोग मंगलवार को बजरंगबली श्री हनुमान का उपवास रखते हैं, उसमें राहुल गांधी बकरे की टांग खाएंगे और मुर्गा के चोंच नोचेंगे तेजस्वी यादव। तो ये किस बात का प्रतीक है? आप मटन नहीं खाओ, आप कोई और खाओ, आप ऊंट खाओ, भैंसा खाओ, बकरा खाओ, आपको कुछ और जो भी मिल जाए, आप घोड़ा गधा सब खा जाओ, लेकिन जी। लेकिन जो है आप मंगलवार को उनको जान के आप क्यों काटते हुए दिखाओ कि हिंदू की सनातन भावना को आप चोट पहुंचाना चाहते हो, ये प्रतीकात्मक आप प्रचार कर रहे थे कि जान के वो हिंदू और मुस्लिम करना चाहते हो, जान के आप ये दिखाना चाहते हो कि हम हिंदू विरोधी हैं, हम इनके बजरंगबली श्री हनुमान का उपवास का अपमान कर सकते हैं, ये दिखाने की जरूरत आप हिंदुस्तान में इस प्रकार की बातें करोगे तो निश्चित रूप से उन्होंने मटन
खाओ या ना खाओ ये नहीं बोला, उन्होंने कहा खाने की जो अवस्था है आप जान के पोस्ट कर रहे हो और उस दिन पोस्ट कर रहे हो जिस दिन इस प्रकार की घटनाएं। मैं समझता हूं कि विपक्ष मुद्दा विहीन है जी। इस प्रकार के सेंटीमेंट से वो जान के खेलती है जी। दिनेश शर्मा जी, इंडिया गठबंधन की ओर से एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया कि अगर बीजेपी इस बार सत्ता में आ जाएगी। आपका आवाज नहीं आ रहा मुझे, आवाज मिल पा रही है क्या सर? आपका आवाज नहीं आ रहा मुझे, एक बार फिर से यहां पर ठीक करने की कोशिश करेंगे सर। आवाज मिल पा रही है क्या? तो आपको बता दें कि यहां पर दिनेश शर्मा की ओर से सुन रहे थे कि किस तरह से लगातार चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से कई गंभीर आरोप भी लगाए गए थे वहां पर। यहां पर जानने की हम कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से क्या कुछ इस आरोप में कितनी सच्चाई है, और चुनाव प्रचार प्रसार लगातार चल रहा है क्योंकि 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का चुनाव है। यूपी की 13 सीटों पर चुनाव ये आपको बता दें कि होंगे। इसको लेकर चुनावी प्रचार प्रसार के लिए सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दी है, लेकिन इसी कड़ी में हम यूपी के उप मुख्यमंत्री और आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद से हम जानने की यहां पर कोशिश कर रहे थे। दिनेश शर्मा जी, आवाज मिल पा रही है क्या? जी बिल्कुल मिल रही। मैं महाराष्ट्र का चुनाव प्रभारी भी हूं, महाराष्ट्र प्रदेश का। जी बिल्कुल, ये भी ऐड कर देंगे सर। बिल्कुल दिनेश शर्मा जी, इंडिया गठबंधन की ओर से एक और गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, ये यहां पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप मौजूद हैं और इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ है, जनता को एक बार आप बताइएगा कि इंडिया गठबंधन की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर इस बार सत्ता में बीजेपी आ जाएगी तो यहां पर आरक्षण है, आरक्षण से लेकर संविधान बदलने तक की बात की जा रही है, संविधान बदलने की कोशिश करेगी, कितनी सच्चाई है? ये जो लोग कह रहे हैं उन्होंने ये अपराध कर दिया है जी। ये कांग्रेस के लोगों ने जो ओबीसी का आरक्षण था, पिछड़े का आरक्षण था और अनुसूचित का आरक्षण था, उसमें से निकाल के उन्होंने मुस्लिम आरक्षण दे दिया है जी। बीजेपी को मुस्लिम को जो बैकवर्ड को आरक्षण दिया जा रहा है उससे आपत्ति नहीं है, आपत्ति यह है कि जो सामान्य प्रकृति के मुस्लिम भी थे उनको भी ओबीसी और जो एससी हिंदू थे उनका आरक्षण काट के उनको दे दिया जी। और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ है। बीजेपी ने जब इसका विरोध किया और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने यही किया, कर्नाटका में यही किया, तो उन्होंने उल्टा ये दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि बीजेपी जो संविधान बदलना चाहती है। हम संविधान का पालन करने वाले लोग हैं जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पंचतीर्थ बनाने वाले लोग हैं। और मोदी जी ने तो यहां तक कहा कि जब तक मोदी जी और बीजेपी है किसी की हिम्मत नहीं है जो हिंदुस्तान में आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर सके जी। दिनेश शर्मा जी, मेरा अगला सवाल ये कि रायबरेली और जो अमेठी है, कांग्रेस अपना इसको गढ़ मानती है, यहां पर आप कितना मजबूत हैं? बहुत सारे मायाग्रह मजबूत नहीं होते, तो प्रियंका गांधी जी डेरा डाल के वहां पर एक हफ्ता क्यों पड़ी रहती है जी? मजबूत है तभी वो पड़ी रही है, उसके बावजूद हार रही है जी। अमेठी से जिस तरह से आपने क्लीन स्वीप किया वहां पर, रायबरेली में एक बार फिर से राहुल गांधी है, इसको आप किस चुनौती के रूप में देख रहे हैं या चुनौती है ही नहीं? नहीं, किस चीज को? रायबरेली में जिस तरह से राहुल गांधी को उतारा गया है काफी मंथन के बाद, काफी चिंतन के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से, इसको आप किस तरह से चुनौती के रूप में देख रहे हैं? ये चिंतन के बावजूद नहीं, ये एक तरीके से मजबूरी के कारण उतारा जी। क्योंकि वायनाड में वो हार रहे हैं तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं से चुन के जाए, तो माँ बेटे को सौंपने के लिए आई, बेटे ने नाना का नाम लिया, नानी का नाम लिया, दादी का नाम लिया, पापा का नाम लिया, मम्मी का नाम लिया, लेकिन पापा का नाम नहीं लिया। फिरोज गांधी जी भी वही अमेठी से सांसद रहे हैं जी। और चाचा का संजय गांधी का नाम नहीं लिया। तो ये लोग एक सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं और ये पॉलिटिक्स को एक पिकनिक मानते हैं, एक टूरिज्म की तरीके से ये लोग चलते हैं और 2 महीना दौड़ के उसके बाद फिर विदेशों की यात्रा पर निकल जाते हैं जी।
दिनेश शर्मा जी, जिस तरह से सपा की ओर से एक पीडीए का नारा दिया गया और आप उस पीडीए के नारा के फुल फॉर्म को आपने चेंज कर दिया, कैसे देख रहे हैं इसको आप? उनका पिछड़ा उनका परिवार है जी, जिनके लाखों अरबों की कोठियां होंगी लेकिन वो पिछड़ा है। उन्होंने कहा यादव समाज के सबसे बड़े हितैषी हैं, लेकिन 5 टिकट दिया है यादवों को और वो 5 यादव उन्हीं के घर के हैं। यही पीडीए है। पीडीए मैं समझता हूं कि पब्लिक की फेल्ड एक योजना रही है और अब इस प्रकार के नारों से जनता प्रभावित नहीं होती जी। दिनेश शर्मा जी, एक इस चुनाव में काफी परिवारवाद का जो नारा था, जिस तरह से बड़े गंभीर तरीके से उठाया गया है सत्ता पक्ष की ओर से, विपक्ष की ओर से, लेकिन कैसरगंज में जो आपने इस उम्मीदवार जैसा कि आपने उतारा, ये भी तो एक परिवारवाद का हिस्सा है सर। और एक सीट तो काट के दिया उनको, एडिशनल सीट हमने नहीं दे दिए जी। जो निकले कि जो जीत कर आए थे वही सीट है उनके उसमें, और नौजवानों को बढ़ाया गया है जी। अब मेरा अंतिम सवाल सर ये कि मेयर और उप मुख्यमंत्री और उसके बाद राज्यसभा सांसद, कितनी बड़ी चुनौती सर? देखिए, हर छोटा बड़ा काम सभी में चुनौती होती है जी, और चुनौती के साथ अपने आप को समायोजित करके जो चले वही सफल व्यक्ति होता है। और मैं समझता हूँ कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं जी, कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे एक अनुशासित संगठन के अंग हैं, इसलिए काम करने का एक अनुभव भी है और काम करने का एक तरीका भी है। हम लोग के लिए राष्ट्र प्रथम होता है, संगठन द्वितीय होता है और व्यक्तिगत परिवार तीसरे नंबर पे आता है जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।